तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा, मन की बातें मन के काम। तो आज मैं फिर हो गई हूँ रेडी, और रेडी हुई मैं साड़ी आज डाली है मैंने। साड़ी कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताना। इस साड़ी को किस किसने पहचाना है ये भी जरूर बताना। इस साड़ी का वीडियो मैंने पहले डाला था कि साड़ी कैसी और मैंने कहाँ से मंगाई है और ये साड़ी कितने की है वो भी मैंने बताया था। तो किस किसने मेरा वीडियो वाला देखा जरूर कमेंट करके बताना, और ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है ये भी जरूर बताना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। और आज है मेरी फ्रेंड सारिका की एनिवर्सरी है, और वहीं पे वो सत्यनारायण की कथा करा रही पार्टी, तो वो लोग प्राइवेट शाम को करेंगे और हम लोग सत्यनारायण की कथा में सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं पूजा में। तो बनी रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो लेकर चलती हूँ मैं आपको सारिका के यहाँ, बहुत मजा आने वाला है। साथ मैं सारिका के पहुंच गई थी, तो भैया और सारिका पूजा कर रहे थे, कोई था नहीं सपोर्ट के लिए। बहुत बेचारी ने मेहनत की सपोर्ट के, जल्दी से काम निपटाया और पूजा पर बैठ गई थी, क्योंकि अकेले हों और छोटे बच्चे हों तो बड़ा दिक्कत होती है। लेकिन सारिका बहुत अच्छे से मैनेज किया, सारिका ने सब पूजा की तैयारी कर ली थी, तो पूजा शुरू हो चुकी थी और मैं पूजा के टाइम पर ही पहुँच गई थी शुरू में ही। बच्चे भी छोटे हैं लेकिन बहुत मेहनती, और भैया भी बहुत सपोर्ट करते। ओम इदं हविप्रजनं मे अद्वतद्वीर सर्वे गणु स्वस्तये आत्मसनि पिटासनि पशुसनि लोकसन्नि भयसनि अग्निं पृजामि बहुलां मे करोत्वनं पयोरेतो अस्मात् सत्यकथनि करोमि सम्भूतं कर्पूरं तु वृद्धतम् आर्तिकाहं करोमि पस्मै वर्धो भव आर्तिकं समर्पयामि स्थापयामि आचमन्त्यं जलं समर्पयामि। दो बूंद पास में छोड़े। ओम यज्ञेनेज्ञमेजन्तदेवस्थानि सर्वाणि प्रसमन्या सन्देहानाकं महिमाना सञ्चतद्पूर्वैः सन्ध्यासन्देवहनाना सुगतपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं दत्तो तौ ग्रहणे परिमित्रा पैट्सुदेन प्रणाम कर लो। अब सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे, वहां पर प्रसाद का पूजन करेंगे। वो मेरा थैला जरा उठाना पीछे से, मैं उठा रही। पुनः जल से इसी मिलते ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवाला स्नाह स्वेता स्वेता के रुद्रावत वदे करला यामा पलविता रुद्रान दो रूपा पार्जन्या ओम गंगे जय नीचे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी इश्नान अर्धम प्रतिहम सुदोदक स्नानम समर्पयामि सुदोदक स्नानान्ते आजमन्त्यम जलम समर्पयामि। जल छोड़ ओम सीतादो चंद्राणाम लज्जायाम रक्षम परमं देहलंकल्ला वस्मतः शुभम शांतिं पर पृच्छमी धत्त वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमन्त्यम जलम समर्पयामि। परमं पवित्रं प्रजापते अर्थसहितं पुरस्तात्मानम आयुष अग्रं प्रथमं च सुभ्रम यज्ञोपवीतं बलम अस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमन्त्यम जलम। ओम श्री गंडचंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठं चंदनं प्रहितां समर्पयामि। ओम अक्षांशुर्श्रेष्ठ कुंकुमक्ता सुभता मया निवित्ता भक्त्या तौ ग्रहणे परमेश्वरः अक्षां समर्पयामि। ओम माल्यहदीनी सुगंधदीनी माल्यहदीनी वैप्रुः मया नीतानि पुष्पाणि तौ ग्रहणे परमेश्वरः पुष्पं पुष्प माल्यां समर्पयामि। ओम गंडादि गंडादि प्रोहंति परस्वरे एर्वानु दूर्वे प्रदं सस्त्रेलसते इंतह दूर्वांकुरं समर्पयामि ही। सिद्धू पित्र छोड़े। ओम अहिरि विभोगे वरियो दिबाहुं जयाया योधि पर्वाधमाना हस्तग्ना विश्वा बहुनानि विद्वान उपमासा परिपात विशुदः सुगंधि द्रव्यं समर्पयामि ही। रखी वही, ये भी नैवेद्य वही रखी है।
हाथ जोड़ के बस निवेदन करें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, भगवान के पास में ओम इदं फलं मया देवं अस्थापितं गृहेणाशं को भूत्वा प्रसीद परमेश्वराय फलीय फला पुष्पा याद बृहस्पति नो मन सहंसा अखंड ऋतु फलम समर्पयामि फलांते शुभ्र आचमनीयम जलम समर्पयामि। फल के बाद आचमन का जल छोड़ें। आराम से बच्चों मैं कथा कहूंगा, पुष्प हाथ में ले लो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। हाँ, दे दो, दे दो, उसको दे दो, दे दो बेटा। ज्ञाता श्री सूत जी ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, तो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में जा पहुंचे। प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, उनके तो थोड़े प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। नारद उनके विषयों को सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे, हे नारद, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा अमृत लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसे अच्छी तरह विध पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला जाता है। इसी सत्यनारायण तथा प्रथम अध्याय से पढ़ो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरजा उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत का सारा विधान बता कर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, ऐसा निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत साधन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ धर्म प्राण होकर भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण धन पुत्र आदि से उक्त और संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। हे विप्रो, मैं तुमसे और क्या कहूं। मुनीश्वर बोले, हे सूत जी महाराज, इस व्रत को इस ब्राह्मण से सुन सुन करके किस किस ने किया वैसा हम सुनना चाहते, इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी महाराज बोले, सूत ध्यान से सुनो, एक समय की बात है, यही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंध बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय वहां एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और ब्राह्मण के पास जाकर लकड़ियों को बाहर रख करके नमस्कार करके कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताएं। ब्राह्मण कहने लगा, यह परम शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कर रहा हूं, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन का कहता हूँ। तो ध्यान से सुनो, पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा राज करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्री था, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहां एक साधु वैसा आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था।
वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के समीप गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे भगवान, भक्ति उचित से आप क्या करें, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताएं। राजा कहने लगा, यह परम शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं, इसकी ही कृपा से मेरे यहां धन। बहुत अधिक बोलने के कारण फिर धारण की
करा दो। आराम से करो। दयाले हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़ते प्रसाद सवायो कदली फल मीना विशु विशु या डाल दी डालो ना अभ्यास इदं इच्छं कुं दोषि तो चला लो बच्चों को सिखाना तो पड़ेगा। हम यही चाहते हैं ना, सबको सबको आइडिया है। मेरी ओर से कार्य जब प्रसाद ले लो। आ जाइए तो प्रसाद लेने। आ जाओ बेटा, जाओ आ जाइए। देखा प्रसाद इधर इधर भी आ न जल्दी दीपक उठा रहा हूं। केला रख दीजिएगा खाइए। अच्छा छोड़ दो बात सारिका। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। चावल आवल फूल रख लो। हाँ चावल फूल रखो, संकल्प करो अच्छे से। हाथ लगाओ भैया के हाथ में रख। तू हाथ नीचे लगा, तू हाथ नीचे लगा, भैया के हाथ में रख पूरा। ये दोनों मेरे ऊपर। हाँ भैया के हाथ के लगा नीचे। हाँ अब ठीक है। हम भी ब्राह्मण ही हैं पंडित जी, इसलिए सारी विधियाँ पता है। नाम और गोत्र लिखो। इदं सत्यनारायण पूजा पूरा के तेवचा ब्राह्मण आए द्रोदक्षां दानाय संकल्प अहम् करोमि। अहम् करोमि इस अपने की पूजा जो संपूर्ण है उसकी मैं करता हूं। हरि ओम। अच्छा जी दिल्ली जाते हैं तो 9 मिनट पे आइए ट्रेन का। हां वही वही 5-10 पे काम है। अब बोल रही है कौन ही क्या है। और ये प्रसाद ब्यूटी ब्यूटी क्वीन आ रही है हमारी। आंटी नमस्ते। ये नया रूप देखने को मिलेगा। नहीं मेरे तो आई थी लेकिन आज इनकी छुट्टी थी ना इलेक्शन की वजह से। देखो लारी हो गई है, डबरानी भी आ गई है। तुम कर लो पूजा, हाथ जोड़ लो। कोई बात नहीं, ये भी अभी आई है। कौन? तन्वी भी अभी आई है। आई जो मैडम है। हमको बोल रही है सारा फोकस आंटी पे है। मेरा भी बर्थ, हमारा भी एनिवर्सरी आने वाला है। सो जा सो जा।
बोलने को भी कान में जाए तो बोले सो जा बहुत नींद आ रहा है, बाद में बात करेंगे। हमारा दामाद भी कॉम्पिटिशन में। हेलो मधु जी, मैं कह रही मधु जी आ रही है। वैसे 11 बजे फ्री रहती हूँ, आना चाहिए था टाइम पे आपको। योगा से आज तक भी लेट हो गई है, फटाफट लग रही है तुम तो, लग नहीं रहा सत्यनारायण की भी पूजा कर रही हूँ। रात भर पार्टी चलेगी आज की। एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को पूरा अच्छे से हाँ गुलाब लगाते हुए वीडियो तो बनना चाहिए भैया। निकालती है तन्वी, इसीलिए फोन नहीं निकालते, भर जाता है ना। तुम घर पे खा लेना, कोई नहीं लेना, ये पराठे खा के आए। लड्डू चाहिए? हाँ ले लो लड्डू। और ये सारिका को आगे कर लो। और ये था हमारा सारिका के एनिवर्सरी और सत्यनारायण की पूजा का ब्लॉग, तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सभी लोग सारिका को हैप्पी एनिवर्सरी।